वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर की थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी और उसको ड्रॉ करके भी आपने देख लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। और हमने किया कौन सा था, एनाट्रोपस ओव्यूल, करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि ओव्यूल की डेवलपमेंट कैसे होती है। डेवलप हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, जिसमें हम सीधा का सीधा जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब मेगास्पोर की जेनेसिस, मेगास्पोर की फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मतलब फीमेल, फीमेल स्पोर। तो आप लोगों को बस सीरीज याद होगी जिसमें बताया था स्पोरोफिल से स्पोर बनता है, स्पोर से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से गैमेट। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रही हूँ उसको, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल से स्पोर की फॉर्मेशन होती है, स्पोर से गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन, गैमेटोफाइट का काम करेगा, उसके बाद फिर गैमेट की फॉर्मेशन। तो मेल वाला तो हमने पढ़ लिया था कि भाई वहाँ पर मेल माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर बना, उसके बाद फिर मेल गैमेटोफाइट, उसके बाद मेल गैमेट्स पढ़ लिया था पोलन ग्रेन वाले उसमें। अब हम लोग क्योंकि फीमेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग मेगा यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, मेगा, ठीक है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है इसलिए मेगा, और क्योंकि मेल का साइज छोटा होता है इसलिए उस वहाँ पर माइक्रो यूज़ करते हैं। तो भाई अब हमारा जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके, ये वाला पढ़ने वाले मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पोर की फॉर्मेशन, मेगास्पोर की फॉर्मेशन, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ना आप साथ के साथ ना आप कंपेयर कर सकते हो कि वहाँ पर जो हमारा माइक्रोस्पोर बना था वहाँ पर क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे, मेगास्पोर बनेगा यहाँ पर क्या क्या इवेंट हो रहे, काफ़ी चीज़ें इनके अंदर कॉमन होती हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने आर्केस्पोरियल सेल की बात की थी, वहाँ पर हमने आर्केस्पोरियल सेल की, कि वहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिनको हम लोग आर्केस्पोरियल सेल्स बोलते हैं, यहाँ पर भी होती है, ठीक है। मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, यहाँ पर भी आर्केस्पोरियल सेल होती है, वहाँ पर भी ये डिवाइड करती हैं, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके बना लेंगी माइटोटिक डिवीज़न करेंगी, सिंपल डिवीज़न, मतलब सिंपल डिवीज़न के थ्रू दो तरह की सेल बना लेंगी, एक तो पैरिएटल सेल बन जाएंगी और एक क्या बनेगी, स्पोरोजीनस सेल। आप लोगों को याद हो वहां पर भी यही सेल बनी थी, आउटर जो बनी थी पैरिटल सेल्स थी, आउटर जो सेल वॉल बनाएंगी, ठीक है, वॉल फॉर्मेशन करेंगी, और स्पोरोजीनस जो सेल्स हैं वो इनर थी। सेम पैरिटल सेल है फर्दर जो डिवाइड करेंगी और कवरिंग बना लेगी बाहर की, अब बच गई स्पोरोजीनस सेल। जो स्पोरोजीनस सेल है वहाँ पर, अब मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कॉमन है लेकिन कुछ चीज़ें अनकॉमन है, वहाँ पर स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड करती हैं, काफ़ी डिवाइड करती हैं, और तब जाके वहाँ पर जो स्पोरोजिनस सेल थी तब उन्होंने माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करना शुरू किया था, या फिर पोलन मदर सेल का। यहाँ पर जो स्पोरोजिनस सेल हैं मोस्टली डायरेक्टली किसका काम करने लग जाती है, ये मेगास्पोर मदर सेल का, डायरेक्टली बिना डिवीज़न के, डिवीज़न नहीं होगा, डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल का काम करने लग जाएंगी, ठीक है। अब वही चीज़ कॉमन आ गई यहाँ पर, कि वहाँ पर भी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी उसके अंदर मियोसिस हो रहा था और क्या बन रहे थे, टीट्रेड हैप्लोइड माइक्रोस्पोर। यहाँ पर भी मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, जो भी स्ट्रक्चर आएगी, जो भी सेल आएगी वो कैसी होगी, मियोसिस की वजह से हैप्लोइड। तो यहाँ पर भी हैप्लोइड क्या आ जाएंगी, मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगी, मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा और क्या बन जाएंगी, हैप्लोइड मेगास्पोर। यहाँ पर भी जो बनेंगी वो क्या होंगी, टीट्रेड, वहां पर भी टीट्रेड मतलब फोर पोलन ग्रेन, पोलन स्पोर बन रहे थे, माइक्रोस्पोर बन रहे थे, पोलन ग्रेन बन रहे थे, यहाँ पर भी मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होगी तो फोर ही बनेंगे मेगास्पोर, और मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन की ये कोई हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। बात क्लियर है। अब
ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया कि भाई ओव्यूल में मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब जो हमारे पास ये टीट्रेड हैप्लॉइड, अब मैं साथ ही साथ आपको क्या बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आप कंपैरिजन करते चलो कि वहाँ पर क्या हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें कॉमन है लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन नहीं है, कुछ चीज़ें अलग है। जैसे यहाँ पर हम मेगास्पोर मदर सेल से टीट्रेड हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए, फोर बन गए, वहाँ पर भी टीट्रेड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन रहे थे। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर साथ के साथ बताओ कि वहाँ पर जो चार के चार माइक्रोस्पोर बने थे, फोर के फोर फंक्शनल थे, चारों के चारों फंक्शनल थे। यहाँ पर चार मेगास्पोर बने तो हैं लेकिन सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा। बात समझ रहे हो मेरे, क्या अनकॉमन आया है यहाँ पर कि इनमें से चार में से सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो भाई हम बात करते हैं कि ये हमारा डायग्रामेटिकली दिखा देती हूँ। ऐसे है ना भाई ओव्यूल का स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रही हूँ। ओव्यूल में भाई आर्केस्पोरियल सेल थी वो डिवाइड करी, पेरिटल सेल बना रही और स्पोरोजेनस सेल बना रही, और स्पोरोजेनस सेल जो थी उनमें डिवीजन हो गई और क्या बना लिए, टीट्रेड बना लिए। वन टू थ्री फोर टीट्रेड बना लिया। अब मैंने क्या बात बोली है कि टीट्रेड तो बनते हैं, हैप्लोइड मेगास्पोर तो बनते हैं, ये क्या है टीट्रेड, ये क्या है टीट्रेड हैप्लोइड मेगास्पोर्स। लेकिन अभी मैंने बात बोली कि इनमें से सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा, तीन डीजनरेट हो जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि कौन सी साइड के डिजनरेट होते हैं और कौन सा फंक्शनल रह जाता है। तो जो माइक्रोपाइल, ये वाला माइक्रोपाइल एंड था ना जहाँ पे स्पेस होता है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ के जो होते हैं मेगास्पोर वो तो डिजनरेट हो जाते हैं, और जो कैलेजल एंड का है इस साइड वाला वो फंक्शनल रह जाता है। मतलब ये चीज़ बनेगी, मैं सिर्फ ये बना रही हूँ अंदर का, बाहर का नहीं बना रही हूँ। मतलब जो माइक्रोपाइल एंड के हैं ये क्या कर जाएंगे, डिजनरेट, और एक रह जाएगा फंक्शनल कैलेजल एंड वाला, और वो थोड़ा साइज में हो जाएगा बड़ा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो होगा ही ऑब्वियसली, ये डीजनरेट हो गए, डीजनरेटेड मेगास्पोर्स और ये फंक्शनल मेगास्पोर। अब क्या होगा फर्दर, अब होगा इस फंक्शनल मेगास्पोर में कम से कम तीन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगी, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। मतलब तीन बार न्यूक्लियर डिवीजन होंगी इसके न्यूक्लियस में, तीन फ्री माइटोटिक डिवीजन होंगी फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे होंगी। इसको इरेज कर देती हूँ। इसमें हुई एक, सबसे पहले एक माइटोटिक डिवीजन होगी, सबसे पहले न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, तो क्या होगा एक न्यूक्लियस से क्या बन जाएंगे, दो, और दो बनने के बाद ही चले जाएंगे अपोजिट एंड पे। तो ये हो गई एक डिवीजन, इसमें टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइट बन गया, ये एम्ब्रियोसाइट की डेवलपमेंट हो रही है, टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइट की फॉर्मेशन होगी। एम्ब्रियोसाइट मतलब फीमेल गैमेटोफाइट की, बताते ना कि एम्ब्रियोसाइट ही फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, तो टू न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट और वी कैन से टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइट। अब क्या होगा सेकेंड डिवीजन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर फोर न्यूक्लियर सेल आ जाएगी। दूसरी बार डिवीजन हुई, एक बार यहाँ पे हो गई तो दो बन गए, दूसरी बार होगी तो दो से क्या बन जाएंगे चार, यहाँ से डिवाइड करेगा या ये डिवाइड करेगा तो टोटल हो गए फोर, तो फोर न्यूक्लियेटेड फीमेल गैमेटोफाइट या फोर न्यूक्लियेटेड एम्ब्रियोसाइट बन गया। अब तीसरी बार होगी, मैंने बताया ना तीन फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होती है, तो क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर, टू से फोर आ जाएंगी, वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो वन टू थ्री, तीन बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो एट न्यूक्लिएटेड क्या आ गया, एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइट की फॉर्मेशन हो गई। अब क्या होगा, अब इनमें से जो ये होता है ना एक एक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाता है,
इनमें से क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा, एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, ठीक है भाई। तो ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे से कि अब जो ये होते हैं जो माइक्रोपाइल एंड वाली जो सेल्स, तीन सेल्स बचती हैं जो माइक्रोपाइल एंड वाली है, वो क्या बना लेती है, एग अपरेटस। और जो केलेजल एंड की है वो काम करने लग जाती है एंटीपोडल्स का। और जो बीच में जो सेल आई है वो क्या बना लेती है, अपने आप में सेंट्रल सेल बना लेती है, एक तरह से इकट्ठी होकर क्या बना लेती है, सेंट्रल सेल। और इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों न्यूक्लियस को पॉलर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस है ना, तो पॉलर न्यूक्लियाई मतलब प्लूरल हो गया ना, दो प्लू, और इनको क्या बोलेंगे, पॉलर न्यूक्लियाई। तो अगला जो हमारा है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें हम लोग डिटेल्ड पढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर को। अब हमारी ये बन गई है, कैसे बनी है, मेगा गैमेटोजेनेसिस में, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो गई है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो गई है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ओके। इंपॉर्टेंट है कैसे फॉर्मेशन हो रही है एम्ब्रियो सैक की, कैसे फॉर्मेशन हो रही है फीमेल गैमेटोफाइट की, या जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, वो कैसे हो रही है वो ध्यान देना सीरीज पर, बहुत ईजी है। साथ के साथ क्या क्या आप मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ना। ये क्या बना है हमारा, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक या फिर जिसको हम लोग नाम देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक, इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ओके।